बॉलर नेम अंपायर बॉलर नेम 12 प्लेयर साइड साइड पे प्रकाश है। हां तो एक रन हो गया। बॉलर नेम चौगला के कैप्टन अमृत जी के पास आ जाओ और खमनौर खमनौर के कैप्टन रतन जी कहीं भी हो वहां अमृत जी से मिल ले और जल्दी से जल्दी आ जाओ। गोटी का लोड पड़ रहा है तो आप जल्दी संपर्क करें।
और 6 रन। बैट्समैन आउट। और बेहतरीन शॉट 6 रन।
मैच की अगली बॉल के लिए तैयार है। बेहतरीन शॉट्स, सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए भेज दिया है बॉल को। 4 मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर जी, बिल्कुल आपको स्कोर बताया जाएगा। यहाँ से 4 ओवरों का खेल खत्म होता हुआ, 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 60 रन। आफ्टर 4 ओवर स्कोर इज 60। मुकाबला चल रहा है राजस्थान रॉयल्स बनाम कौन सी टीम है, येलो कपड़े वाली, वो अर्जुन भाई येलो कपड़े वाली टीम कौन सी है, येलो कपड़े वाली टीम फतेहपुर लायंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच चलता मुकाबला। आखिरी ओवर, इस मरतबा गेंद पर चढ़कर खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा बेहतरीन कैच, कोई मिस्टेक नहीं, एक और सफलता मिलती हुई रॉयल्स को। 60 के स्कोर पर गिरा एक और विकेट। किशन जी ने पहले गेंद पर यहाँ पर सफलता हासिल की और इस मरतबा बैक फुट पर आकर खेलना चाहते थे, मोटा किनारा लगकर गेंद हवा में थी, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, इस बीच आया एक रन। चलता हुआ मुकाबला 5 ओवरों का खेला जा रहा है, समय की काफी कमी है हमें, यहाँ से और काफी मुकाबले खिलाने हैं जिसमें 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल होगा। गेंदबाज किशन ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार फिर से एक बार बैकफुट पर आकर सामने की ओर खेल दिया है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वहां पर खिलाड़ी जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच अच्छी दौड़, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच इस गेंद पर आए 2 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63। आखिरी ओवर की 3 गेंदें शेष, किशन ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार तैयार। इस बार फिर से एक बार स्क्वायर कट मारना चाहते थे, फिर से एक बार स्विंग एंड मिस, कोई रन नहीं, बिंदी गेंद, इस ओवर की डॉट गेंद आती हुई। अच्छी गेंदबाजी अब तक किशन ने इस ओवर में की है, 4 गेंदों में केवल 3 रन दिए हैं, एक सफलता भी अर्जित की है उन्होंने इस ओवर में। किशन ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार, इस मरतबा तान दिया है, गेंद हवा में, मौका बन सकता है और यहाँ पर खिलाड़ी द्वारा चूक, कैच लेना चाहिए था, ये कैच छूटा या मैच ये देखना होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस गेंद पर छूटा कैच, मिले 2 रन, इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65। आखिरी गेंद अभी विशेष, आखिरी ओवर की, इस बार फिर से एक बार बैकफुट पर आकर खेल दिया है, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे जाते हुए, 1 रन पूरा, दूसरे रन का प्रयास, दूसरा रन भी आसानी से पूरा होता हुआ, ओ माय गॉड, तीसरा रन भी यहाँ पर पूरा होता, और ये क्या क्या चल रहा है मैदान के बीच, 4 रन का प्रयास और 4 रन भी पूरे हो गए हैं, और ये देखिए 5वां रन का प्रयास लेने में बल्लेबाज ने अपना विकेट गवाया। यहाँ से 5 ओवरों का खेल खत्म होता हुआ, 5 ओवर के समाप्ति के बाद टीम फतेहपुर लायंस ने रन बनाए है 69 रन और जीतने के लिए निर्धारित 30 गेंदों में टीम राजस्थान रॉयल्स को 70 रनों की जरूरत। सुपर 8 का 4th मुकाबला चलता है बीच मैदान पर, दूधिया रोशनी में चलता हुआ ये कड़ा मुकाबला, प्रजापति प्रीमियर लीग सीजन 5 जी बिल्कुल। इसके बाद जो टॉस होगा
मेवाट किंग खमनोर। चलिए दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन किया जाता है, दोनों टीमों के कप्तानों से आग्रह है, वराट चोपड़ा मुंबई और मेवाड़ किंग खमनोर। चलिए आई रिक्वेस्ट टू बोथ द कैप्टन्स प्लीज कम टू द टॉस इन टॉस बॉक्स। कैप्टन ऑफ मेवाड़ किंग खमनोर एंड कैप्टन ऑफ वराट चोपड़ा मुंबई, वराट चोपड़ा का पीछा करने के लिए आरंभिक जोड़ियां है टीम राजस्थान रॉयल्स की ओर से संजू सैमसन और जॉस बटलर। वो माफ कीजिएगा वो आईपीएल टीम के प्लेयर है। अब आए हैं यहां पर ओपनिंग के साहिल और सुनील, माफ कीजिएगा यशस्वी जायसवाल आते हैं जॉस बटलर के साथ। देखिए राहुल ने हमें बताया अभी अभी गेंदबाज है प्रशांत, प्रशांत पहली ओवर करने के लिए आए हैं। बोल हेलो भाई, ललित बॉलर्स नेम प्रशांत ही है ना, प्रकाश है, प्रकाश आए हैं पहली ओवर लेकर राइट आर्म ऑफ द विकेट पी वन की। ये पहली ओवर इस बार जड़ में डाली हुई गेंद को खोद कर निकाला, गेंद अपने से दूर जाती हुई कवर के खिलाड़ी जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे। एक रन से अपने इनिंग का अकाउंट ओपन किया है टीम राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने। हेलो मैदान जो मुकाबला चल रहा है वराट चोपड़ा कैप्टन और मेवाड़ किंग खमनोर, जल्दी जल्दी आइए टॉस बॉक्स पे उधर। यहां से विकेटों के बीच अच्छी दौड़, इस गेंद पर मिले दो रन। बीच मैदान जो मुकाबला चल रहा है राजस्थान रॉयल्स, उनके सामने है टीम फतेहपुर लायंस। फतेहपुर लायंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 30 गेंदों में 69 रन बनाए, 70 रन का लक्ष्य दिया। हालांकि काफी बढ़िया बल्लेबाजी देखी हमने पहले इनिंग में। अब प्रशांत ओवर के अगले गेंद कर वह बढ़िया गेंदबाजी, नियंत्रित अनुशासित गेंदबाजी का नजारा यहां पर दिखाई देता हुआ टीम प्रेम जी फतेहपुर लायंस गेंदबाजों के माध्यम से कड़ा संघर्ष देना होगा राजस्थान रॉयल्स का अगर इस प्रतियोगिता में बने रखना है। अगर यहाँ से हारे तो इस प्रतियोगिता से बाहर। ओहो स्कूप करना चाहते थे अपने नातू जी, हटने हटने नातू जी हटे। अंपायर का इशारा वाइट बॉल, अतिरिक्त रन 1+1 यानी कि इस गेंद पर आए 2 रन। प्रशांत एक अच्छी गेंदबाज है जिसके पास गति है, नियंत्रण है और अनुशासित गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। ये देखिए जरूर पिछली गेंद वाइट थी, उसके बाद अच्छा गेंद गुड लेंथ स्पॉट पर डाली हुई गेंद, गेंद गिरने के बाद तेजी से सीधा कीपर के दस्तानों में गई। व्हाट अ बॉलिंग, दिस इज अ ट्रेमेंडस पीस ऑफ बॉलिंग फ्रॉम प्रशांत। अब कीजिएगा प्रकाश, इस मरतबा फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, स्वीपर कवर पर खिलाड़ी मौजूद, केवल एक रन इस गेंद पर। मेवाड़ किंग कमनो ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है, धन्यवाद। ओवर का ओवर करार दी गए हैं और पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है टीम राजस्थान रॉयल्स का। स्कोर जानना चाहेंगे स्कोरर, स्कोरर आखिरी गेंद डॉट है, डॉट है डॉट जी बिल्कुल। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 5 रन आफ्टर 1 ओवर, स्कोर इज 5 रन नो लॉस टीम राजस्थान रॉयल्स।
आप यहाँ से जीत के लिए निर्धारित 24 गेंदों में सर 65 रनों की जरूरत है। निर्धारित 24 गेंदें 65 रन, यानी कि हर ओवर में दो लंबे हिट्स लगाने होंगे अगर इस मुकाबले में जान फूंकनी है, कमबैक करना है तो। बहुत मुश्किल सा लक्ष्य, बहुत मुश्किल सा लक्ष्य, लेकिन यह जो दोनों ही टीमें खेल रही है, ये दोनों ही टीमें एक ही घाव से बिलोंग करती है और बड़े मियाँ छोटे मियाँ की तरह यह गेम चल रहा है। आपसी जिले के उदय राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले की ये दो टीमें, ओहो इस बार स्कूप करना चाहते थे मगर अंडर एज लगकर गेंद कवर में आ रही है। इस पिच पहले गेंद पे चौका आया था, उसके बाद सिंगल, यानी कि स्कोर बड़ा 10 रन की ओर। अब यहां से 22 गेंदों में सर 60 रनों की जरूरत है, बहुत ही मुश्किल लक्ष्य है, लेकिन जिस तरीके से कालू जो गेंदबाजी करते हैं काफी काबिले तारीफ है और एक लंबा अनुभव उनके बीच जुड़ा हुआ है, तो उस वजह से एक इस मैच में हल्का कहा जाएगा कि अगर सामने वाली टीम कोशिश करती है तो दर्शकों का एंटरटेनमेंट जरूर हो पाएगा, अन्यथा लगभग जीत तो फतेहपुर लॉयंस जो पहले बल्लेबाजी कर चुकी है उसकी फिक्स दिख रही है। जी बिल्कुल, हम ऐसे कह ही नहीं सकते क्योंकि सर क्रिकेट या नित्यताओं से भरा गेम है, क्रिकेट में कभी भी बाजी पलट सकती है, एक आध बड़े हिट्स इस मुकाबले में जान फूंक सकते हैं क्योंकि जिस तरह के कालो गेंदबाज और वो एबिलिटी जो दोनों ही बल्लेबाज में बहुत ज्यादा है। इस बार फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे, हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल किया, शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। सर मैं आपको सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से खिलाड़ी है आपके इस प्रतियोगिता में जो पूरी तरह से इस प्रतियोगिता में अब तक इम्पैक्ट छोड़ चुके हैं। जो हमारे सबसे पास खड़े हैं ना ललित, ये की मैन है इस बीपीएल के, इनके साथ में इनके भाई जो मिड ऑफ पर खड़े हैं नरेश, यह सीरीज का बीपीएल सीजन का 5वां सीजन है और इससे पहले जो 4 सीजन हुए हैं उनमें से 3 सीजन की चैंपियन टीम यही है फतेहपुर लॉयंस, और एक जो सीजन है वो बदलापुर एसआर ग्रुप ने जीता था, तो उसके बाद लगातार 3 बार हैट्रिक बना चुकी है और अपने छोटे खिताब की तरफ अग्रसर है फतेहपुर लॉयंस की टीम, तो एक तरीके से वन साइडेड क्रिकेट खेला है, काफी क्रिकेट को लेकर डिसिप्लिन है, अनुशासन है और जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, मजा आ जाता है इनके क्रिकेट को देखकर। जी बिल्कुल सर, ये उनके खेल में दिखाई दे रहा है जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म उनके खेल में है, जिस तरह की उनकी गेंदबाजी है, जिस तरह की उनकी बल्लेबाजी है, फील्डिंग है, तीनों ही डिपार्टमेंट उनका सर्वगुण संपन्न खेल हमने देखा है, उसी के कारण अब तक उन्होंने इस प्रतियोगिता में 5 सीजनों में 3 खिताब जीते, यानी कि ये पीपीएल ट्रॉफी की चेन्नई सुपर किंग्स है। बिल्कुल, और छोटी खिताब की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत शक्ति से अपना कदम रख चुके हैं। स्कोर पहुंचा दो ओवरों की समाप्ति के बाद 14 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद यू आर वॉचिंग पीपीएल सीजन 5, दिस इज अ फोर्थ मैच ऑफ दिस सुपर 8। You are watching Rajasthan Royals vs Rajasthan Royals vs Fatehpur Lions. अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद। सर मैं आपने जैसे बताया कि जो फतेहपुर लायंस टीम है वो पूरी तरह से पीपीएल में काफी हावी रहती है सभी टीमों पे, उसका कारण भी आपने बताया कि ललित और नरेश एक बेहतरीन उम्दा खिलाड़ी है जो गेंद और बल्ले से दोनों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मगर आज के दिन में मैंने देखा सर, पूरे दिन में एम्पायरिंग कर रहा था, जो टीम है खाना जिस किसी को भी खाना है वो जल्दी से जल्दी इस कार्य को निपटा लेवे कि काउंटर बंद करने का टाइम हो गया है, तो आप जल्दी से जल्दी जिस सभी को खाना खाना है वो खाना खा ले सबसे पहले, और बाद में इस पीपीएल का जो
सेमीफाइनल मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं, इसके तुरंत बाद उसके जब आनंद लें तो उसके बीच में आपको कोई रुकावट नहीं आए, इससे पहले आप अपना जो है पेट पूजा सबसे पहले कर लें। खाना तैयार है आप सभी के लिए। जी सर। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेवाड़ की जो टीम है, जो आपसे जिनका मुकाबला हुआ था, आपको हार का सामना करना पड़ा, मेवाड़ टाइगर्स, वो टीम भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में जलवा बिखेर सकते हैं। जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका आज के दिन हुआ है, अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छी बल्लेबाजी की है, क्या वो फतेहपुर लायंस को टक्कर दे पाएंगी आज के दिन? इसके बाद जब अपन देख सकते हैं कि जो सेमीफाइनल में मुकाबला है वो इन दोनों के बीच में ही है, इसके बाद जो तुरंत है वो वोराट और दूसरी जो टीम थी मेवाड़ किंग खमनोर, तो उनका है। तो सेमीफाइनल मुकाबले में जो फतेहपुर लायंस का जो मुकाबला होगा वह होगा मेवाड़ टाइगर, और मैं समझता हूं कि वो जो सेमीफाइनल मुकाबला होगा वह एक तरीके का फाइनल मुकाबला ही होगा। उन दोनों की जो टीम है, जो टीम उस बीट कर पाएगी और फाइनल में पहुंच गई, समझो वो मुकाबला ये सीरीज पीपीएल सीजन उसके नाम पे हो जाएगा। ये दोनों बड़ी तगड़ी दावेदार टीमें लग रही है। जो जंग होगी वो दूसरे सेमीफाइनल में ही देखने। यस यस यस, काफी अच्छा। जिस तरह से यहाँ पर फतेहपुर लायंस का परफॉर्मेंस है पीपीएल में, उसी द्वारा एसआर बदलापुर, आपने भी एक खिताब जीता पिछले साल, आपने खिताब जीता नहीं, हमने पहला सीजन जीता था, उसके बाद हैट्रिक बनी है, यानी कि फतेहपुर लायंस ने, डिफेंडिंग चैंपियन है फतेहपुर लायंस। यस, हम रनर अप रहे थे लास्ट टाइम पे, बिल्कुल देख एसआर ग्रुप रनर अप रही थी। फतेहपुर लायंस अपनी जो डिफेंडिंग चैंपियन की ट्रॉफी है वो बरकरार रख पाएंगी या नहीं, क्योंकि क्रिकेट ये सर क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा गेम है। हमने आईपीएल में भी देखा 17 सीजन कुल मिला के हो चुके हैं, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 5, मुंबई इंडियंस ने 5, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने एक जीती थी सबसे पहले जो 2008 में आईपीएल हुई थी उसमें राजस्थान रॉयल्स ने जीती थी, उसके बाद जो दूसरी आईपीएल हुई थी उसमें डेक्कन चार्जर्स ने जीती थी, तीसरी थी वो चेन्नई ने जीती, चौथी जो मुंबई ने जीती, और 11 में जीती कोलकाता नाइट राइडर्स ने, 12 में जीती मुंबई ने, 13 में फिर कोलकाता जीती, 14 में चेन्नई जीती, 15 में मुंबई जीती, 15 में सनराइजर हैदराबाद जीती। यानी कि जिस तरह से जो कारमा आईपीएल में चल रहा था कि हर साल कोई नया चैंपियन मिलता था, क्या उसी तरह से आज हमें इस प्रतियोगिता में पीपीएल सीजन 5 में कोई नया चैंपियन मिल पाएगा? बिल्कुल, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इस बीच वाइड और थोड़ा सा दर्शकों का यहाँ पर इंटरटेनमेंट होता हुआ, इससे पिछले वाली बॉल के ऊपर शानदार उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन मारकर जो ऑडियंस साइलेंट बैठी थी उसमें थोड़ा सा जान फूंकने की कोशिश करी है। जी बिल्कुल, इस मुकाबले में जान फूंकनी है तो लगातार लंबे हिट लगाने होंगे सर, क्योंकि दिल्ली अभी भी दूर है, दिल्ली जाना है तो हमें यहाँ से फ्लाइट लेनी होगी, क्योंकि अगर इस मुकाबले में बने आपको रहना है तो चौके छक्के मारने होंगे, क्योंकि चौके छक्के नहीं मारेंगे तो आप इस मुकाबले से और इस प्रतियोगिता से बिल्कुल आउट हो चुके हैं। अब कैलाश खेलने के बाद देखा भी नहीं गेंद को, और दूसरी तरफ से प्रकाश काफी आगे निकल आए थे, कैलाश ने अपने शरीर को ज्यादा तकलीफ देना उचित नहीं समझा, अपनी जगह से हिले भी नहीं। जी बिल्कुल, कैलाश जिस तरह से भारी भक्कम शरीर के इंसान है वो चाहते भी नहीं है कि मैं यहाँ से भागूं, चाहते कि मैं और जी देखिए उनकी जो पर्सनैलिटी शायद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जो अभी छाए हुए मोइन खान के सुपुत्र आजम खान, उनके तरह से उनकी पर्सनैलिटी दिखाई देती हुई, बिल्कुल उसी तरह से चौके छक्के मार पाएंगे वो देखना होगा। उनमें मारने की ताकत बहुत है, लेकिन यह गेंद समझ से परी थी। सुशील की जो गेंदबाजी है काफी अनुशासित नियंत्रित गेंदबाजी हम दिखाई देती हुई। सुशील इस पर तब तान दिया है गेंद हवा में, क्या मौका बन सकता है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ पाएंगे? आए तो जरूर थे मगर कैच न लपक पाए, और जैसे नमाज पढ़ रहे हैं दोनों हाथ खुले हुए थे उनके, आसमान में देख रहे थे। जी बिल्कुल सर, पीपीएल में मैं आपको एक बार दर्शाना चाहूंगा कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ है, फील्डिंग में थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा, क्योंकि मैंने आज के दिन के देखा कुल मिलाकर अगर कैच छूटने की ट्रॉफी रखी जाती तो शायद ही कई सारी टीमें इस कैच इस ट्रॉफी को जीत जाती। एक्चुअल में होता है क्या है ना कि यह जो पीपीएल सीजन है ना, सब लोगों को सिर्फ एक मिलने का, एक गैदरिंग करने का और सबको एंटरटेनमेंट करने का साधन बना लिया गया, क्योंकि जो यह केवल समाज में एकता बनाए रहे। यस, जितने भी हमारे राजस्थान के रहवासी जो मुंबई हो या फिर ठाणे हो, रायगढ़ हो, जितने भी जहाँ भी लोग बसे हैं उन सभी को यहाँ पे एकत्रित लाना, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और उसी के हाँ बिल्कुल, मैच ऑन चालू रखें, इस प्रतियोगिता के बारे में हम कुछ जानकारी ले रहे सर के बारे में, सर के बारे से, क्योंकि बिल्कुल सर यहाँ पे आपने पहले हमें बताया कि यहाँ पे पूरे मुंबई शहर से
क्रिकेटर्स यहाँ पर खेलने जरूर, ये राजस्थान के रहवासी है, उदयपुर हो, चित्तौड़गढ़ हो, जयपुर, जोधपुर, रानी, राजसमंद, कोटा, कई सारे जिलों से यहाँ पर मुंबई में जो बसे हुए खिलाड़ी है उन्हें आप यहाँ पर खेलने का मौका दे रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग मोतियों की तरफ बिखरे हुए हैं और इन सभी को मोतियों को मिलाकर यहाँ पर एक माला बनाई गई है, जिससे सभी नए लड़के जो मुंबई के अलग अलग भागों में बहुत दूर दूर तक रह रहे हैं, जो एक दूसरे को नहीं जानते पहचानते, तो एक माध्यम है ऐसा कि सभी यहाँ पर इकट्ठे हों, एक दूसरे को जाने पहचाने, जिससे मगर सर जो जोश और जलवा और जो जुनून देखा ना मैंने आज क्रिकेटरों में, माने ऐसे लग रहा है कि जो राजस्थान की धरती है ना महाराणा प्रताप की, वही जो जोश मुझे आज सभी राजस्थान के खिलाड़ियों के चेहरे पर और सभी जब खेल रहे थे तब देखने बिल्कुल मिला। विकेट के बीच में सब एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, लेकिन जैसे विकेट से बाहर आते हैं सब वापस भाई हो जाते हैं, तो खेल भावना भी वैसी होनी चाहिए कि जब आप मैदान के अंदर हैं तो अब वो सामने दिखने वाला आपका ओनली प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं इस बाउंड्री लाइन से तो एक तरीके से वापिस आप सभी भाई बन जाते हैं। तो इस तरीके से यह मैच समाप्त होता हुआ। सर मैं जानना चाहूंगा इसके पहले ये प्रतियोगिता कहाँ होती थी? इससे पहले लास्ट ईयर यही